ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अभिनव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेति। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज बात करते हैं छठे भाव में शुक्र की शुभ और अशुभ स्थिति की। शुक्र एक शक्तिशाली ग्रह है। शुक्र को फारसी में जुहरा और अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। इसका वार शुक्रवार है और इसका रंग सफेद है। बुध व केतु इसके मित्र हैं। सूर्य, राहु व चंद्र इसके शत्रु हैं। प्रेम में एक दूसरे से मिल जाने की शक्ति को ही शुक्र कहते हैं। यह स्त्री स्वभाव का ग्रह माना जाता है। शुक्र छठे भाव में शुभ हो तो जातक उत्तम जीवन व्यतीत करता है। उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। उसके पुत्र आज्ञाकारी व योग्य होते हैं। जातक परिवार की उन्नति करता है। शुक्र छठे भाव में अशुभ हो तो जातक के शत्रु उस पर हावी रहते हैं। जातक की पत्नी कम उम्र में ही मर जाती है। जातक को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। जातक निर्धन होता है। जातक को तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों को अपना चरित्र सही रखना चाहिए। अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। लोहे व चमड़े की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। चांदनी रात में लोहे के पात्र में तेल भरकर रखना चाहिए। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पानी में बहाना चाहिए। शनि की वस्तुएं दान करनी चाहिए। मित्रों, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।